हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया शर्मा हेल्दी बाइट्स पे आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाएंगे ब्राउन ब्रेड से शाही टुकड़ा। ब्राउन ब्रेड आटे की होती है तो ये नुकसान नहीं देती है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसे ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे हम लेंगे ब्रेड और इसको हम चार पीसेस में काट लेंगे स्क्वायर शेप लेके। देखिए, पहले जब घर में कुछ मीठा खाने के लिए नहीं होता था और हम मम्मी से मांगते थे, तो मम्मी फटाफट नॉर्मल ब्रेड को फ्राई करती और उसका शाही टोस्ट बना कर दे देती थी और वो बहुत टेस्टी लगता था। तो मैंने उसी को ही थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है। यहाँ पर मैंने ब्राउन ब्रेड यूज़ की है, आप चाहें तो नॉर्मल ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। और ये चाशनी थी, होली पे मैंने गुंजिया वाली रेसिपी बनाई थी तो वो चाशनी बची हुई थी, मैंने सोचा इसे यूज़ करें और कुछ मीठा खाएँ। तो यहाँ पर पीसेस काटने के बाद एक कढ़ाई में हम लेंगे घी और अच्छा सा गर्म करने के बाद में हमें ये ब्रेड्स फ्राई करने हैं और दोनों तरफ से हमें इसे बिल्कुल ब्राउन होने तक सेकना है जब तक ये बिल्कुल क्रिस्पी ना हो जाए। ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है और बहुत टेस्टी लगती है। आप फटाफट बच्चों को बनाकर इसे दे सकते हैं और बच्चे खुश हो जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से फ्राई करने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। जब आप इसे फ्राई करें तो गैस का फ्लेम स्लो कर लें। तो इसे अच्छे से सेकना है तो मंदी मंदी आंच पे हम इसे सेकेंगे और एक टिश्यू पेपर लेकर, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। और अब हम इसे करेंगे इस चाशनी में डिप। फटाफट हमें एक एक बार डिप करके इसे निकाल लेना है। और इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मेरे पास रखा था कंडेंस मिल्क, तो मैंने उसे एक कटोरी में निकाल लिया है। और जो ये ब्रेड थे इसके ऊपर हम इसे अच्छे से लगा लेंगे। और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने कट करके रखे हुए हैं, जो हम इसके बीच में इस कंडेंस मिल्क के ऊपर लगाएंगे और दोनों स्लाइस को एक दूसरे से अच्छी तरह से चिपका देंगे। और हमारा टेस्टी वाला ये शाही टुकड़ा बनकर तैयार है। और यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।